तो व्हाट्सअप में इट्स फैमिली, दिस इज अ फ्रेंड मोहित बैक विद अनदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लग्जरी कार डीलर ऑफ विकासपुरी, जो कि आपका अमर मोटर्स। एंड गाइस, आज के व्लॉग में आपको फिर से एक न्यू कार कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। बता दूँ, आज में हम आपके लिए रेंज रोवर वेलार लेके आए हैं, हमर लेके आए हैं, पोर्श कायन लेके आए हैं, GL लेके आए हैं, ग्रैंड एडिशन, इवोक न्यू शेप है, ई क्लास न्यू शेप है, जैगुआर है, और भी बहुत सारी हम आपको वैरायटी दिखाने वाले हैं। तो उन सब की डिटेल देने के लिए अब मैं बुलाऊंगा अमर मोटर्स के हमारे चाहते भाई अमरीश भैया को। आइए भैया। अमरीश भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप सुनाइए। बस भैया, एकदम बढ़िया। सो अमरीश भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के ब्लॉग में, हम जितनी भी कार कलेक्शन दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी गाड़ी हम नहीं दिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो भैया, बात करेंगे पहले फाइनेंस के बारे में। बता दो, फाइनेंस जो हम जितनी हम गाड़ी दिखाएंगे कहाँ के लिए फाइनेंस हो जाएंगी? सर, पैन इंडिया फाइनेंस हो जाएगी सारी गाड़ी। पैन इंडिया फाइनेंस हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एंड भैया, हम बात करें सारी गाड़ी का, गैस नंबर आपके सामने विजिबल है। हाँ जी। अगर कोई मेरा भाई आता है लेने में, कोई भी गाड़ी इंटरेस्टेड हो, चाहे वो एक छोटी सेगमेंट की हो, बड़ी सेगमेंट की गाड़ी हो, शोरूम लेके जाना चाहे लेके जा सकता है ना आराम से। अगर एक किसी भी गाड़ी का डील हमारे से डन हो जाता है, एक तो कम अमाउंट पकड़ा के वो शोरूम जाके चेक करा सकता है। ठीक है। हाँ जी, मतलब गैस आप पहले अपनी तसल्ली करो, देन उसके बाद आप गाड़ी लेना। इसके अलावा गैस अब जाके मुझे फेसबुक पे फॉलो करो। क्यों? फेसबुक पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको नए ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं। जैसे बता दूँ, इसका एंड इसका जो है एक डेडिकेटेड ब्लॉग आएगा, वो मेरे फेसबुक पे आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है फेसबुक पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलती है देखने को, कभी वहाँ पे आपको स्टॉक की वीडियोस मिलती है, आपको सिंगल कार के रिव्यूज़ मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके मुझे जरूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको ऐसी एक्सपेंसिव कार की रील्स देखने को मिलेंगी। एंड यूट्यूब पे फॉलो कर लेना तो वहाँ पे आपको इन सारी गाड़ियों का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और बाकी कोई भी डिटेल चाहिए किसी कार के रिगार्डिंग, तो अमरीश भैया का नंबर आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चले गए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस ब्लॉग को। तो गाइस, आज के ब्लॉग की जो हम आपको सबसे पहली गाड़ी दिखा रहे हैं, मोस्ट मस्कुलर कार NBA में बात करूँ, ये काफ़ी मस्कुलर कार है। एंड इसके अगर हम सामने चाहे हम ये ऑडी Q7 काइन कोई भी खड़ी कर दे, कोई इसके सामने टिकने नहीं वाली इन टर्म्स ऑफ लुक्स। हमारे H3 है। सही बात है। एंड बता दूँ गाइस, बहुत ही गाड़ी अच्छी एंड स्पेशियस गाड़ी है। लुक वाइज बता दूँ, पूरी एकदम मतलब लाइक बीस्ट की फील देती है गाड़ी है। सबसे पहले भैया हम स्टार्ट करेंगे, हमर H3 है, जो एट अ टाइम जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट आया था H3। हाँ जी, हाँ जी। बात करेंगे भैया कौन से ईयर का मॉडल होगा ये 2011 है, HR रजिस्ट्रेशन है ये, हरियाणा का। ठीक है। एंड थर्ड ओनर है। ठीक है। और आस्किंग है 63 लाख रुपीज। 63 लाख रुपीज। हाँ जी, 63 लाख की गैस ये आपको मिल जाएगी। हमारे एन भैया की पेट्रोल वेरियंट है ये। हाँ, पेट्रोल वेरियंट है। ठीक है। सो ये आपका मॉडल है 2011 मॉडल है। सो अगर कोई भाई हमारा दिल्ली में चलाना चाहता है तो अभी पूरी 5 ईयर्स के लिए पूरी वैलिडिटी है। पूरे 5 साल पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, इसकी डिटेल हो गई। अब साथ में हम आपको दिखा रहे हैं ऑडी की Q7, जो कि है आपकी 3.0 TDI क्वाट्रो वेरिएंट है भैया। टेक्नोलॉजी पैक है ये, जिसके अंदर रिवर्स कैमरा, बॉस के सिस्टम, सारे चीज आते हैं। ठीक है। और 2013 मॉडल है ये, मतलब दिल्ली में जो भाई चलाना चाहता है, 1 साल दिल्ली में टाइम है, उसके बाद ये NOC कटा के NCR से बाहर ले जा सकता है। तो भैया एक बार बताओ, क्योंकि काफ़ी जो हमारे भाई है ना ऑल ओवर इंडिया से हमारी वीडियो देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मतलब NOC की हर स्टेट की कट जाएगी? हाँ, अभी इसमें पूरे 1 साल टाइम है, NCR से बाहर किसी भी स्टेट की NOC कट जाएगी। ठीक है। और उसके बाद वहाँ उसको 5 साल का टाइम मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत लो बजट में दे रहे हैं, जिसको Q7 का फील लेना है कम पैसे में, वो हो जाएगा उसका। सो बात पहले शेयर करेंगे डिटेल। मॉडल 2013 है। ड्रिवन है 95,000। ओनर सिंगल? नहीं, ओनर थर्ड है और इंश्योरेंस फुल है इसमें दिसंबर तक। एंड डीजल वेरिएंट में गाड़ी है? हाँ, डीजल वेरिएंट में है। आप बात करेंगे इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है? कॉस्टिंग इसकी आस्किंग है 13,50,000, बाकी ऑन टेबल थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी होगा। ऑडी Q7 2013 मॉडल 13,50,000 में मिल जाएगी। एंड बता दूँ ये कार जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अब नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे पोर्श काइन। गैस बता दूँ ये भी गाड़ी जो है मतलब पूरी ना मतलब एकदम ना लाइक जेट की फील देती है भाई। अगर हम बात करें, अगर हम इसके अंदर से इंटीरियर देखते हैं ना, लाइक जैसे आप कभी एरोप्लेन वगैरह ट्रेवल किया होने देखा होगा, लाइक जो पायलट का जो कैबिन होता है ना, लाइक कॉकपिट इंस्पायर्ड जैसे उनका होता है, वैसे इसमें आपको इसका फ्रंट का इंटीरियर देखने को मिलता है। एंड बता दूँ ये गाड़ी मुझे जितनी अंदर से पसंद है ना, उतनी बाहर से इतना मज़ा नहीं आता इस गाड़ी को देखने में, जिससे अंदर से इसकी फील है। तो भैया शेयर करेंगे हम इसकी डिटेल। ये भी कौन सा होगा? ये भी 2013 है, लास्ट की है, सितंबर अक्टूबर की, और ये फर्स्ट ओनर कार है। VIP नंबर 7 में है, 0005। एंड इसकी आस्किंग है 28,50,000। एंड डीजल वेरियंट में गाड़ी है? हाँ, डीजल वेरियंट। अगर हम बात करें जब ये न्यू आती थी भैया, न्यू एट द टाइम आज के टाइम में कितने की कॉस्ट की आती है गाड़ी? न्यू आज के टाइम में तो बहुत काफ़ी महंगी है, आई थिंक 1 CR के ऊपर ही होगी गाड़ी। हाँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो आपको मिल जाएगी 28,50,000। ठीक है, ओके। सो गाइस अब नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं विच इज़ योर मर्सिडीज बेंज GLC 350 ग्रैंड CDA ग्रैंड एडिशन। हाँ जी। तो इसमें अलग क्या आता है? इसमें इस एक्चुअली जो नॉर्मल GL 350 होती है, उस इसमें इंटीरियर का फ़र्क है,
और बम्पर का फर्क है। ठीक है, एंजल अलॉय तो अलॉयज के फर्क है, वो ही आता कंपनी। नहीं, एएमजी के अलॉय लगे हुए हैं इसमें, ग्रैंड एडिशन है ना। ठीक है, हाँ जी, शेयर करेंगे भैया डिटेल। सबसे पहले मॉडल कौन सा होगा ये? ये 2013 नवंबर की है, फर्स्ट ओनर कार है, 65,000 रनिंग है। अभी रिसेंटली कंपनी से इसका मतलब जो भी छोटा मोटा काम था वो हुआ है कंपनी से, TNT मोटर ओखला से। ठीक, उसका एक सवा लाख का बिल हमने अभी पे किया है कंपनी को, मतलब पूरी वेल मेंटेन कार है। अब बात करेंगे इसकी कॉस्ट करने वाले भैया, इसकी भी आस्किंग सेम है 2850, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल। सो गाइस बता दूं, 2850,000 में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है आपकी पोर्श कायन एंड एक है आपकी GL 353 ग्रैंड एडिशन। ग्रैंड एडिशन तो दो ऑप्शन है, जिसके लिए जाना चाहो जा सकते हो। हाँ जी, वो जो है वो आपकी ड्रिवन कितनी थी? वो ड्रिवन है 85,000। ये 65,000। ये 65,000। ठीक है, एंड गाइस बता दूं इसका जो इंटीरियर है और भी बढ़िया है, वेल मेंटेन्ड अंदर से अगर बात करेंगे। ठीक है, तो भैया अब गाइस नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं रेंज रोवर वेलार। गाइस बता दूं बहुत ही सुपर सेक्सी गाड़ी है भैया, पेट्रोल में डीजल में? ये डीजल वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट में गाड़ी है ये। हाँ जी। अच्छा बात करेंगे हम, बता दूं गाइस डीजल वेरिएंट में बहुत रेयर आई थी रेंज रोवर वेलार, डीजल बहुत रेयर अवेलेबल होती है। आपको पता है पेट्रोल में ऐसी गाड़ी, अब भैया देखो पहली बात ये है, जो बंदे ऐसी गाड़ी अफोर्ड करते हैं ना फिर वो पेट्रोल की एवरेज नहीं देखते। नहीं, नहीं। लेकिन अगर आपको एक गाड़ी पसंद है और आपको एक अच्छी एवरेज वाली गाड़ी चाहिए तो आप इस डीजल वेरिएंट के लिए जा सकते हैं। शेयर करेंगे भैया इसकी डिटेल। सबसे पहले मॉडल कौन सा होगा? ये 2018 है और रनिंग है ये 19,000। ठीक है, और इसकी आस्किंग है 78 लाख रुपीज़। 78 लाख रुपीज़। ओनर सिंगल है? ओनर सिंगल है और ये CBU वेरिएंट है जो सबसे टॉप वाली आती है। ओके ओके, ठीक है, तो ये आपको पड़ेगी 78 लाख रुपीज़ की। हाँ, 78 लाख की आस्किंग है, बाकी ऑन टेबल नेगोशिएबल है। और गाइस आप कार की कंडीशन देखना, कार जो है वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, सो अब आपको नेक्स्ट दिखाएंगे जो कि है आपकी रेंज रोवर इवोक। ये भी बता दूँ आपकी न्यू शेप है भैया, हम ये बोलेंगे सर छोटा भाई आ गया। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहा हूँ ना जी। सो इसकी डिटेल शेयर करेंगे, बताओ इसकी डिटेल। ये भी 2018 है, फर्स्ट ओनर कार है, 36,000 माइल्स रनिंग है इसकी एंड इसकी आस्किंग है 44 लाख रुपीज़। 44 लाख रुपीज़। हाँ जी, ओके, एंड डीजल वेरिएंट में गाड़ी है? हाँ, डीजल वेरिएंट। ओनर सिंगल? ये भी ओनर सिंगल है और HSE है जो टॉप में आती है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसमें आती है। जी, हाँ जी, एक तो AC आती है और एक HSE आती है, ये HSE है। तो ये आपको बता दूँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है एंड गाइस बता दूँ व्हाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, गाइस बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी अभी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं जैगवार की XE UP 16 की गाड़ी, भैया डिटेल पे आएंगे। ये 2017 है, सितंबर की एंड फर्स्ट ओनर कार है, 0 DEP इसमें इंश्योरेंस है अक्टूबर 2022 तक एंड इसकी आस्किंग है 27,50,000। डीजल वेरिएंट में ये भी गाड़ी? हाँ, डीजल वेरिएंट में है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है इसका बाप, इसका बड़ा भाई नहीं बोलेंगे हम, इसका बाप ही बोलेंगे इस गाड़ी को। सो ये गाइस ये है आपकी जैगवार XJL। बता दूं गाइस बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन लग्जूरियस कार है एंड भैया गाड़ी में मैं फीचर एक से बढ़ के एक है और सबसे बढ़िया इसकी जो लेंथ है ना यार, लेंथ देख के इसकी बड़ा मजा आता है, लेंथ मतलब काफ़ी लंबी है गाड़ी है। सो भैया सबसे पहले हम शेयर करेंगे इसकी डिटेल भैया, सबसे पहले जैगवार XJL कौन सी ईयर का मॉडल होगा? ये 2014 है। अच्छा। 2014 है, सेकेंड ओनर है, ऑल ओरिजिनल है और रनिंग इसकी कम है, 31,000 रनिंग है ओनली। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ओनर सिंगल है भैया? नहीं, ओनर सेकेंड है। सेकेंड ओनर है। अब इसकी हम बात करें कॉस्ट इसकी ऑन एल भैया? भैया इसकी आस्किंग है 33,50,000। 33,50,000 एंड आज के टाइम में अगर न्यू की बात करते हैं, न्यू आई थिंक अराउंड 1 crore से ऊपर ही जाती गाड़ी है। 25 लाख के आसपास है, 1 crore 25 लाख की न्यू आती है आज के टाइम में। ठीक है, अब गए नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं मर्सिडीज बेंज की ई क्लास जो कि आपकी न्यू शेप है, चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी है, फैंसी नंबर मिलेगा 1991। हाँ जी, ये E220 CDI है, डीजल वेरियंट है, 2017 है और सेकेंड ओनर है, रनिंग है 60,000 किलोमीटर्स में एंड डीजल वेरिएंट में गाड़ी भैया? हाँ, डीजल वेरिएंट है। बात करेंगे इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है? भैया इसकी आस्किंग है 41 लाख। 41 लाख एंड अगर हम बात करें आज के टाइम पे अगर कोई 2022 में न्यू कार ये लेता है तो आई थिंक अराउंड 70-75 लाख अबव भी जाती गाड़ी है। न्यू 75 ऊपर है, 75 लाख अबव भी जाती गाड़ी है ना। सो गाइस इसकी डिटेल हो गई, अब साथ में अब आपके आ चुके मर्सिडीज बेंज ई क्लास कैब्रियोलेट जो कि आपकी कन्वर्टेबल है, आपकी गुजरात नंबर की गाड़ी है, भैया डिटेल पे आएंगे इस गाड़ी के हम। ये 2011 है, फर्स्ट ओनर कार है, पेट्रोल वेरिएंट है एंड इसकी आस्किंग है 28,50,000 एंड ये पेट्रोल वेरिएंट में गाड़ी है ना। हाँ, पेट्रोल वेरिएंट है एंड ड्रिवन कितनी है? ड्रिवन है 45,000। ठीक है, अब नेक्स्ट अब गैस अब आपकी आ चुकी है फोर्ड मस्टैंग, बता दूँ येलो कलर की कार है, ऊपर से BNA से ब्लैक स्ट्रिप्स करा रखी है, बड़ी अच्छी लगती है एंड यू वोंट बिलीव गैस काफ़ी भाइयों ने मेरी इंस्टाग्राम पर रील्स भी देखी होगी, मतलब भैया इस पर हमने 6 मिलियन व्यूज आए हमारी। हाँ जी, तो बता दूँ अगर भाइयों को हमारे काफ़ी पसंद भी है गाड़ी, अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है इस गाड़ी के लिए भी जा सकता है भैया, पहले आएंगे डिटेल पे। 2017 है,
सेकेंड ओनर है, ड्रिवन है 18,000 एंड इसकी आस्किंग है 71 लाख। 71 लाख रुपये? हाँ जी, इसमें बोर्डला के एग्जॉस लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ एग्जॉस्ट जो है इसका बहुत बहुत पावरफुल है, और आप देख लेना, मैं आपको दिखा भी दूंगा इंस्टाग्राम पे इसकी रील में, एग्जॉस्ट इसके में बहुत पावरफुल लगे। एग्जॉस्ट की हम बात करें, कितने कॉस्टिंग के एग्जॉस्ट है इसमें? अराउंड 4 लाख। 4 लाख की कॉस्टिंग है इसमें एग्जॉस्ट लगे हैं। ठीक है, तो बिल मिल जाएगा इसका? हाँ जी, बिल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप आपके आ चुके हैं इन्फिनिटी G37 कन्वर्टेबल। ये बता दूँ, ये एक लिमिटेड गाड़ी है जो कि मतलब अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। मुश्किल से दो ही गाड़ी है इंडिया में, दो ही गाड़ी है। हाँ जी, एक भैया के पास और दूसरी किसी और के पास दूसरी किसी और के पास है, लेकिन बता दूँ ये बहुत रेयर है कार अवेलेबल। भैया डिटेल पाएंगे इस गाड़ी के हम। 2014 है। हाँ जी, और फर्स्ट ओनर कार है, और ड्रिवन है ओनली 9,000 किलोमीटर। ठीक है, पेट्रोल वेरियंट में गाड़ी है? पेट्रोल वेरियंट है। अब बात करेंगे, और ये G37 है, इसकी आस्किंग है 40 लाख। 40 लाख, ठीक है। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट अब आपकी आ चुकी है ऑडी A6, भैया डिटेल पे आएंगे। ये 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर कार है, रनिंग है 55,000 एंड इसकी आस्किंग है 13,50,000। एंड डीजल वेरिएंट पे गाड़ी है? डीजल वेरिएंट है, ऑन टेबल नेगोशिएबल। एंड बात करें टेक्नो पैक हो, कौन सा पैक हो गया इसमें? नहीं, प्रीमियम प्लस है, प्रीमियम प्लस पैक है इसमें। हाँ, लेकिन ये कम चली हुई है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है। 55,000 चली है ओनली। ठीक है, ओके। अब मैं आपको थोड़ी जो है छोटी लो सेगमेंट की गाड़ी दिखाता हूँ। लाइक फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये आपकी क्रेटा, डिटेल पे आएंगे भी हम। ये 2018 है, पेट्रोल वेरिएंट है, 1.6 SX, पुश बटन स्टार्ट है, ठीक है, मैनुअल है, और इसकी आस्किंग है 11,50,000। 11,50,000, और थोड़ा बहुत ही इस पर नेगोशिएबल हो पाएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमने रखा ही नहीं है इसकी आस्किंग। ठीक है, सो गाइस अब हम आएंगे इस कार की डिटेल पे। भैया डिटेल दीजिए। ये 2015 है, और दिसंबर की है, 15 लास्ट की है, फर्स्ट ओनर कार है, और सितंबर तक, सॉरी अक्टूबर तक इसका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी वैलिड है। ठीक है, और इसकी आस्किंग है 8,25,000। एंड ड्रिवन कितनी गाड़ी है? 35,000 के आसपास। 30, एंड ओनर सिंगल है ये? ओनर सिंगल, डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं TUV 300। भैया डिटेल पाएंगे इस गाड़ी के। TUV 300 6 प्लस है ये, और 2017 है, सेकेंड ओनर है, लेकिन ड्रिवन है ओनली 30,000, और गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, मतलब ऑल ओरिजिनल है, नीड एंड क्लीन है, वो आप वीडियो पे दिखाई सकते हैं कस्टमर को। इस बात करें इसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली भैया? इसके 5,65,000 आस्किंग है, बाकी थोड़ा बहुत ही नेगोशिएबल हो पाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सो गाइस अब आपको आज के ब्लॉग की एक लास्ट कार दिखाता हूँ, जो कि छोटी सेगमेंट की गाड़ी आई है। सो गाइस आज के ब्लॉग की जो हम आपको लास्ट कार दिखा रहे हैं, ये आपकी होंडा जैज, जिनका बजट कम है उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, मतलब कम बजट में ऑटोमेटिक गाड़ी जिसे चाहिए। ठीक है, हाँ जी, बात करेंगे भैया मॉडल कौन सा होगा पहले? 2016 है, फर्स्ट ओनर है, और पेट्रोल वेरिएंट है, ऑटो है, एंड आस्किंग है इसकी 6,25,000। एंड पेट्रोल वेरिएंट में गाड़ी है? हाँ जी, पेट्रोल वेरिएंट में। ठीक है, ठीक है। सो गाइस फिलहाल आज के लॉग में मैंने आपको एक बहुत बढ़िया कार कलेक्शन दिखा दी। हमने आपको वेलार दिखाई, मर्सिडीज बेंज आपको ग्रैंड एडिशन दिखाई, इवोक दिखाई, पोर्श कायन दिखाई, ऑडी Q7 दिखाई। तो गाइस बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एंड बता दूँ कि फॉर एग्जांपल जो गाड़ियों का टाइम खत्म होने वाला है, उनकी आपको इजीली NOC किसी स्टेट की भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, बाकी अगर आप गाड़ी में लेने इंटरेस्टेड हो, आप यहाँ पे आओ, भैया से बैठ के बात करो, जो बेस्ट से गार्ड होगा आपको भैया जरूर करके देंगे। एंड बता दूँ गाड़ियाँ जो हैं आपको ऑलमोस्ट भी, अगर हम बात करें जितनी भी फिलहाल हमने आज के लॉन्ग में गाड़ी दिखाई है, चाहे हमने एक होंडा जैज दिखाई है, आपकी हमर दिखाई है, कोई भी गाड़ी दिखाई है, क्या सबके साथ सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा? हाँ, सबकी सर्विस रिकॉर्ड कंपनी में अवेलेबल है। आप मतलब जैसे हमारे से आपकी डील होती है, हम आपको RC प्रोवाइड करेंगे, आप कस्टमर केयर में कंपनी में या कंपनी जाके वहाँ से पता कर सकते हैं, कर जो भी है, इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी गाड़ी मिलेगा आपको ऑन कंपनी रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सो गाइस इसके अलावा जाके मुझे जल्दी से फेसबुक पे फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसी गाड़ियों के अपडेट मिलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पे आपको रील्स मिलेंगे ऐसी गाड़ी को देखने की, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट तो मिलते रहेंगे ही। तो चले गए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लस फेसबुक पे जरूर सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो कर लेना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको रेगुलर रोज के रोज आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी, तो वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करना। तो चले गए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए न्यू कार कलेक्शन लेके। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।